Lecture number 16. हमको पढ़ना है आज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के लिए तुम लिख सकते हो, इट इज रिवर्स या अपोजिट, दोनों में से कोई भी एक वर्ड. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में तोड़ते हैं, हम इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं. तो इसके लिए भी वैसे ही रूल्स हैं, यानी इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. रिप्रेजेंटेशन तीन तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक ये सिंबल, दूसरा ये सिंबल, तीसरा ये सिंबल. नीचे वाले दो इंटीग्रेशन को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल. इस ऊपर वाले को बोलते हैं इनडेफिनेट. इन तीनों में डिफरेंस क्या हो समझोगे? किसी क्वांटिटी y जो कि कंडीशन क्या रहेगी, वही रहेगी x का फंक्शन होना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन में कर सकता हूं dx के रिस्पेक्ट. इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx. जो पहली तरह का इंटीग्रेशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इनडेफिनेट. तो मैं ऐसा समझो कि मैंने कागज के टुकड़े करके उड़ा दी, डिफरेंशिएशन हो गया. मैं एक एक टुकड़ा उठाता हूं, जोड़ के वापस कागज बना देता हूं, तो ये होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल. अगर मैंने तय कर लिया, एक गोल घेरा खींचा और ये तय किया कि जो कागज खाली उसके अंदर अंदर होंगे वही उठाऊंगा, बाकी नहीं, एक क्लोज पाथ के अंदर के कागज उठाऊंगा, खाली उन्हीं को उठाकर कागज जोड़ता हूं, तो इंटीग्रेशन हुआ ये वाला. इंटीग्रेशन वाला होंगे क्लोज पाथ. और अगर मैंने बाउंड्रीज डिफाइन कर दी कि यहाँ x इक्वल टू 1 है, यहाँ x इक्वल टू 3 है, यहां से लेकर यहां तक इतनी दूरी में जितने कागज के टुकड़े बिखरे हुए, खाली उन्हीं को उठाऊंगा, लिमिट्स लगा दी x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2, तो ये वाला इंटीग्रेशन. ये दोनों है डेफिनेट और ये है इनडेफिनेट. कंडीशन रिक्वायर्ड लिखोगे, कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है. कंडीशन रिक्वायर्ड y मस्ट बी फंक्शन ऑफ x. अगर y x का फंक्शन होगा तो ये इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. जनरल फॉर्मूला, इंटीग्रेट करने के लिए जो जनरल फॉर्मूला है मेरे पास, मान लो x की पावर n, इसको इंटीग्रेट करना है, तो y की वैल्यू है x की पावर n, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, साथ में आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. साथ में जो c लिखा है ये कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस रखनी पड़ती हैं, तब हमें इसकी वैल्यू मिलती है. कैसे निकलती है, क्या होता है बाउंड्री कंडीशन, वो सब समझाऊंगा. तुम यहाँ मेंशन कर दोगे c कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग बाउंड्री कंडीशंस बाउंड्री कंडीशंस के पास, ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो इनिशियल और फाइनल. बाउंड्री कंडीशन का मतलब है जब स्टार्टिंग में जो कंडीशंस थी वो, या एंड में जो कंडीशंस हैं वो, तो वो रखकर हम पता कर सकते हैं. इस फॉर्मूले का इस्तेमाल देखेंगे कैसे होगा सिंपल क्वेश्चंस में. एग्जांपल वन, मान लो तुम्हें इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर को,
dx के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर है 2 तो n की जगह 2 तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ये बनेगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब जब हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ये c की जहां जरूरत नहीं वहां c को नहीं लिखेंगे, c को लिखेंगे 0, तो जहां तक जरूरत नहीं है हम c की वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, ऐसे तुम बता सकते हो x क्यूब का इंटीग्रेशन x 4 बाय 4, तो बताओ रूट x का इंटीग्रेशन तो इसके लिए हमें लिखना होगा x की पावर हाफ dx, फॉर्मूला लगाया n की वैल्यू हाफ है तो मैं लिखूंगा हाफ हाफ x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो ये मुझे मिलेगा 3 बाय 2 ऊपर जाके 2 बाय 3 x की पावर 3 बाय 2। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ इंटीग्रेट करो 1 अपॉन 2 रूट x dx, क्या रिजल्ट आएगा? पहले पेन ड्रॉप हो गया सामने से, अब बात करो रूट एक्स प्लस रूट एक्स बाय फोर बाय फोर बाय फोर कहाँ से आया चेक करो, सही से बताओ रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंस करेक्ट आंसर इज रूट एक्स, तो होगा रूट एक्स। लॉजिक बहुत सिंपल है, हम जानते हैं डिफरेंशिएशन इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वेरीफाई करके बताता हूँ, वैसे तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कांस्टेंट टर्म बाहर और मुझे अब इंटीग्रेट करना है x की पावर माइनस हाफ को, एग्रीड? नीचे जो है वो x की पावर प्लस हाफ है, ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस हाफ बनेगा, तो n की वैल्यू माइनस हाफ है और ये हाफ बाहर पहले से पड़ा है, तो हाफ n यानी माइनस हाफ x की पावर n प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, आगे क्यों लिख दिया ये माइनस हाफ, तो गलत लगा दिया मैंने, फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो हाफ इनटू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी माइनस हाफ प्लस 1, तो क्या बचा ये हाफ से नीचे वाला हाफ कैंसिल हो गया और ऊपर बचा x की पावर हाफ यानी रूट एक्स। क्रॉस चेक करना है, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करो dy dx ऑफ रूट एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा dy dx ऑफ x की पावर हाफ, अब nx रेस्ट टू पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला लगेगा, तो n की वैल्यू हाफ x की पावर n माइनस 1, तो क्या बन गया x की पावर माइनस हाफ, यहाँ बची माइनस हाफ को नीचे ले जाओगे तो x की पावर प्लस हाफ यानी रूट एक्स, तो बनेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा रूट एक्स, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, ठीक है? तो अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो 1 अपॉन x को इंटीग्रेट करो, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, one log x log x
तो लॉजिक क्या काम करेगा इसमें, इंटीग्रेशन इज अपोजिट प्रोसेस ऑन डिफरेंशिएशन। ln x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू ln x। क्योंकि अगर तुम इस फॉर्मूले को लगाओगे जो फॉर्मूला अभी लिखा था इनफिनिटी, तो इनडिटरमिनेट टर्म आ जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही किया जाता है। जो अदर फॉर्मूले हैं वो रिवर्स कर सकते हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये क्या होगा माइनस कॉस थीटा प्लस सी, सी को भी छोड़ो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा ये होगा साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ये होगा ई की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x dx ये होगा माइनस e की पावर माइनस x। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए जो हमारे काम। मान लो फंक्शन है पूरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो जो कांस्टेंट है, मतलब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ तीन हिस्सों में, कांस्टेंट बाहर a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस b टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 है। 1 को क्या लिख सकता है x की पावर 0, क्योंकि जिसको इंटीग्रेट कर रहा है उसका फंक्शन होना चाहिए, तो 1 को लिखा x की पावर 0 dx। तो क्या बनेगा, a कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, तो ये बनेगा a x क्यूब बाय 3 प्लस b x स्क्वायर बाय 2 प्लस c x। अगर मैं किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करूं तो रिजल्ट आता है 0, तो जीरो को इंटीग्रेट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच जाता है किसी फॉर्मूले में। और यहां जब मैं कांस्टेंट को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, वेरिएबल पावर 1 में। इंटीग्रेट करते तो पावर 1 बढ़ जाती है, डिफरेंशिएट करते तो पावर 1 कम हो जाती है, ऐसा। तो ये कुछ जनरल इंटीग्रेशन हमने देखे। फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस होगा इंटीग्रेशन में, तो क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन के केस में हमें तय करना पड़ेगा मेन फंक्शन कौन सा और सब फंक्शन कौन सा। तो नेक्स्ट हेडिंग तुम लगा सकते हो, इंटीग्रेशन इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसमें ये मेन फंक्शन हो गया और ये हो गया सब फंक्शन, एस से सब एम से मेन। तुम चाहो तो फर्स्ट और सेकंड पे लिख सकते हो, मेन को फर्स्ट और एस को सेकंड। तो अगर तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है तो फॉर्मूला ऐसा बन सकता है, मेन फंक्शन को तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ मेन फंक्शन, और इसको डिवाइड कर देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सब फंक्शन से, डी बाय डी एक्स ऑफ सब फंक्शन। ये फॉर्मूले की तरह काम है। वेरिफिकेशन कैसे मिलेगा इस फॉर्मूले का, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने पर ये आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा। तो मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट जब करते हैं तब क्या होता था, मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन,
दोनों को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, जैसे साइन टू थीटा है तो टू थीटा का डिफरेंशिएशन टू, साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा, तो क्या रिजल्ट आता था टू कॉस टू थीटा, दोनों मल्टीप्लाई होते थे। यहाँ क्या होगा, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मान लो साइन टू थीटा को इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा डी थीटा, दिस इज सब फंक्शन, फंक्शन नंबर टू एंड दिस इज मेन फंक्शन। तो साइन टू थीटा, टू थीटा को मैंने मान लिया एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा फॉर्मूला कहां से आया तुम्हें, अगर वो डेरिवेशन चाहिए तो ऐसे मान सकते हैं, लेट टू थीटा इक्वल टू एक्स, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी थीटा। अब तुम जानते हो कि साइन एक्स जो है थीटा का फंक्शन नहीं है, तो साइन एक्स को मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो मैंने इनटू किया डीएक्स और डिवाइड किया डीएक्स। अगले स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, ये वाला डीएक्स इसके साथ आ गया और ये डी थीटा कहाँ चले गया, नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा dx by d theta। तो अगर तुम इसको देखो तो क्या है, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन sin x, sin x is the मेन फंक्शन, मैं x की वैल्यू रख दूंगा तो क्या आएगा 2 थीटा आएगा ना यहाँ पे, तो sin x का तो इंटीग्रेशन, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सब फंक्शन, x क्या है सब फंक्शन, तो फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। अब अगर मैं इसको प्रोसेस करता हूं तो मेरे को रिजल्ट मिलता है sin x का इंटीग्रेशन क्या लिखूं, माइनस cos x डिवाइडेड बाय d थीटा ऑफ 2 थीटा, ये किसके बराबर होगा 2 के बराबर, x की वैल्यू रख दूंगा ऊपर 2 थीटा, तो मुझे मिलेगा माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। अगर तुम चाहते हो वेरीफाई करना तो रिवर्स चले जाओ, इसको डिफरेंशिएट करो माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या रिजल्ट आता। पेन नहीं है तो डिफरेंशिएट नहीं करना, लिखना नहीं कुछ भी, ये तो अरविंद कुमार को होता है। अच्छा अच्छा अभी दिमाग नीचे आ जाएंगे, माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, इसको तुम अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय 2 तो बाहर आ गया, और कॉस टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टू थीटा, तो एक माइनस कट गया और 2 भी आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली साइन टू थीटा, तो ऐसा वेरिफिकेशन होगा। तो इतना इंटीग्रेशन आता है तो सफिशिएंट है। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम करते हैं एरिया अंडर द कर्व निकालने के, जैसे डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किसने कर रहे थे, रेट, रेट ऑफ चेंज, इसका इस्तेमाल करते हैं एरिया अंडर द कर्व निकालने मेनली। फिर रिवर्स प्रोसेस है, वहां हम क्या कर रहे थे, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता था तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकल जाती थी, दोबारा डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकल जाता था, यहाँ उल्टा होगा, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन पता है इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी, फिर दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ऐसे होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा सकते हो टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन, टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन। किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू भी इससे निकाली जाती है। तो मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि ये कोई फंक्शन है y जो t का फंक्शन है और इस तरह से वेरी कर साइन कर, यानी y इज इक्वल टू हाउ मच, y इक्वल टू क्या लिखूं, साइन टी लिख दूं, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी लिख दूं,
या साइन थीटा लिखूं? चलो ठीक है, मैंने लिख दिया साइन ओमेगा टी। यहां पर ये जो टी की वैल्यू है, यहां पर है टाइम पीरियड कैपिटल टी के बराबर, यहां पर है हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, क्योंकि एक साइकिल होता है वो एक साइकिल का आधा। अगर मैं तुमसे कहता हूं इसका एरिया निकाल के बताओ, टू यूनिट कैसे इंटीग्रेट कर दिया किसको, साइन टी, साइन टी को या साइन ओमेगा टी को? अपने ओमेगा ले लिया, साइन ओमेगा टी को कर, तो भी वही आएगा क्या? ओमेगा भी रह जाएगा। साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करो किस लिमिट्स में? 0 से टी में, 0 से पाई बाय 2, तो ये कौन 0 से पाई टी बाय टी पाई, वेरिएबल है स्मॉल टी और टी वेरी कर रहा है कैपिटल टी बाय 2 तक, तो हम किस में चले गए? डेफिनेट इंटीग्रेशन में चले गए, यानी विद इन लिमिट्स इंटीग्रेशन करना होता तो कैसे करते हैं? वो जो सर्कल वाला इंटीग्रेशन है वो 12th में आएगा तुम्हारे, पर विद इन लिमिट्स 11th में आएगा। तो अगर लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करना है तो कैसे करते हैं वो तुम समझो। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये वेरिएशन है, 0 से लेकर टी बाय 2 तक वेरी कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? dt, t वेरिएबल है, ओमेगा इज कांस्टेंट। तो हम जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और इसमें तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है, ओमेगा टी है तो ओमेगा और मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, बोलो डिवाइड, सब फंक्शन से डिवाइड करते हैं इसलिए डिवाइड होगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको लिखूंगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करूंगा, लिमिट्स लगाऊंगा 0 टू टी बाय 2। ये तरीका, जो बात नहीं समझ में आई पूछो। आ गया समझ में? तो अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं वेरिएबल की जगह, स्मॉल टी की जगह, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट। इसमें तुम्हारी कोई जानकारी होनी चाहिए, जो ओमेगा एंगल ऑफ वेलोसिटी अगर मैं इसको कहता हूं तो ये होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अगर कोई पार्टिकल एक चक्कर पूरा लगा रहा है तो एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना होता है? कैपिटल टी। और एक चक्कर में एंगल कितना ट्रेवल करता है? 2 पाई 360 डिग्री। तो एंगल ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? एंगल अपॉन टाइम 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। फिर 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो एक और फंक्शन भी है पर उसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ रही, ऐसे याद दिला रहा हूँ। 2 पाई न्यू से दिखाया अगर फ्रीक्वेंसी को तो 2 पाई न्यू या 2 पाई एन। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ माइनस, तो ऐसा कैसा 1 अपॉन ओमेगा मैंने बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट, कॉस ओमेगा, ओमेगा की जगह मैंने रखा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और स्मॉल टी की जगह रखा टी बाय 2, माइनस कॉस जो वेरिएबल है वो टी है, टी की जगह रखा 0, तो यहां से जो मुझे मिलता है टी टी कैंसिल, 2 2 कैंसिल, मुझे मिलता है कॉस पाई माइनस 1 अपॉन ओमेगा, कॉस पाई होता है माइनस 1, कॉस 180, और ये मिलता है कॉस 0, 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये तो कॉस 0 होता है 1, माइनस 1, अंदर आया माइनस 2, बाहर माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, मुझे मिलेगा 2 बाय ओमेगा। यूनिट के लिए मैं लिख सकता हूं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है। अगर वो साइन टी होता तो तू आ जाता, तू आ जाता। तो जो जो बात नहीं समझ में आई वो पूछो। ये हुआ इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? जो काइनेमेटिक्स में जाएंगे तो वहां इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो स्कूल एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, डिराइव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का। तो कैलकुलस यूज करके तुम्हें तीनों इक्वेशन डिराइव करना आना चाहिए, तो उसमें इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन पूरी आ जाती है। तो मैं तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो इतना इंटीग्रेशन जानेंगे तो काफी है। मैं कल सिखाऊंगा, अभी मैं इक्वेशन डिराइव करा रहा हूँ इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस के लिए।
इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स और सी निकालना भी सिखा। हेडिंग लगाओगे टू ऑब्टेन न्यूटन्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। To obtain Newton's equations for uniformly accelerated motion. जब इनकी बात करते हैं तो assumption देने पड़ते हैं शुरू में। हमें मानना पड़ता है कि एक object है, वो initial velocity u से start होता है, t time बाद उसकी velocity बढ़कर v हो जाती है under acceleration a, और इस दौरान उसका जो displacement होता है वो कितना होता है s, तब हम बाकी चीजों को link कर सकते हैं। तो लिखोगे assumption समेटिंग अजम्पशन, अजम्पशन में डैश लगा के लिखोगे लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी यू कॉमा इट मूव्स अंडर एक्सेलरेशन ए moves under acceleration small a for time small t so that its final velocity becomes v and it gets displaced by s it get displaced by s comma then करके dash लगा। हमको first equation जो कि होती है v equal to u plus at उसका derivation करना। तो v equal to u plus at कैसे आएगी, हम starting करेंगे, हम जानते हैं acceleration is rate of change of velocity, मतलब आगे पढ़ना है motion, अभी मैंने नहीं पढ़ा है पर मैं इसकी application ले रहा हूँ integration के। तो तुम लिख सकते हो we know that a equal to dv by dt। अगली स्टेप में तुम लिख सकते हो dv equal to a dt अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर देता हूं now integrating it within proper limits language में लिखो now integrating it within proper limits वो proper limit क्या है dv कहाँ से कहाँ तक change हो रहा है velocity change हो रही है शुरू में u थी और finally v हो गई तो lower limit है u upper limit है v acceleration constant integration के symbol से बाहर आ जाता है time change हो रहा है शुरू में zero था finally हो गया t तो जब dv का integration मैंने किया u से लेकर v तक dv का इंटीग्रेशन तो आएगा v इसमें ये लगेंगी लोअर लिमिट u अपर लिमिट v a dt का इंटीग्रेशन t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t लिमिट्स को ऐसे रखते हैं पहले वेरिएबल की जगह लगाते हैं अपर लिमिट फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट तो यहां पे v की जगह v माइनस v की जगह u इक्वल टू a t की जगह t माइनस 0 तो हमें मिलता है माइनस u को उधर ले जाके v इक्वल टू u plus at which is first equation of motion इसका derivation। ये मैंने किया definite integration से, अगर definite integration से ना करूं तो कैसे होगा, a equal to b minus u by t तो साथ में constant of integration आएगा c, बाउंड्री कंडीशन रख के उसके वैल्यू निकालने पड़ेंगे, तो वो भी तरीका बताऊंगा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से करना सीखो पहले। अब मुझे सेकंड इक्वेशन निकालनी है s equal to ut plus half at square, तो s equal to ut plus half at square निकालने के लिए मुझे s चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो या तो मैं उसे यूज करूं या फिर मैं यूज करूं v equal to ds by dt, वहां से s आएगा ds का इंटीग्रेशन करूंगा। तो लिखोगे also we know that v equal to ds by dt or ds equal to v times dt or
v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के यहाँ रख दो, v है u प्लस 18, तो फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस 18 यहाँ रख दिया, ds इक्वल टू u प्लस 18 टाइम्स dt। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, now integrating it within proper limits, integration of ds, s change हो रहा है 0 to s, u constant है, times dt 0 to t, a constant बाहर, t dt 0 to t, ds का integration ऐसा आएगा जैसे dx का integration x, क्योंकि मैं dx को लिख सकता हूँ x की power 0 into dx, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी x बन सकता है, तो ds का इंटीग्रेशन s लिमिट्स 0 टू s, u dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t प्लस a t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 0 टू t, तो हमको मिलेगा s इधर मिलेगा u टाइम्स t माइनस 0, यहां मिलेगा a बाय 2 हाफ बाहर निकाल दिया t स्क्वायर माइनस 0, तो बन गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, व्हिच इज सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैलकुलस से कैसे ऑब्टेन होगी? यह कैलकुलस से ऑब्टेन नहीं होगी, जवाब है होगी। एक तो तरीका होता है कि बिना कैलकुलस के निकालना है, तो इन दोनों से t को एलिमिनेट करा देते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, उसमें t नहीं आता। और अगर कैलकुलस से ऑब्टेन करनी है तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेलेरेशन का, वो हमारे काम आएगा। थर्ड इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं वी आल्सो नो दैट एक्सेलेरेशन a जो कि कितना था dv by dt था, अगर मैं इसको ds से मल्टीप्लाई कर दूं, ds से डिवाइड कर दूं, रीअरेंज करो और ऐसे लिखूं ds by dt into dv by ds, तो ds by dt मैं जानता हूं वेलोसिटी v होती है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा a equal to v times dv by ds, और अब मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं a टाइम्स ds इक्वल टू v dv। अब इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, a कांस्टेंट है, ds वेरिएबल है, v वेरिएबल है, dv वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग इट विद इन प्रॉपर लिमिट्स, a कांस्टेंट बाहर, ds वेरी करेगा 0 टू s, इंटीग्रेशन ऑफ v वेरिएबल है अंदर ही रहेगा v dv, जैसे x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, तो v dv का भी होगा v स्क्वायर बाय 2, v चेंज हो रहा है u से v तक, इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v, तो यहां पर आएगा a टाइम्स s लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल टू, यहां आएगा v स्क्वायर बाय 2 लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, तो हमें मिलेगा as इक्वल टू हाफ बाहर ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन, जैसे तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन कैलकुलस यूज करके तुम्हें आना चाहिए, तो काफी आज के लिए इतना, इसके बाद next time.